हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अयाज एंड यू आर वाचिंग वेल फ्रेश, जहां आपको हेल्थ केयर, वेलनेस और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि आप स्टे वेल रहें, हेल्दी रहें और अवेयर बने। तो चलिए आज के कंटेंट पर आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हर एक पेशेंट के लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि ये पोस्ट डिसेज के बाद की कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। अक्सर हम बीमार होते हैं, कोई भी बीमारी हमें लगती है, टाइफाइड, निमोनिया, जो भी एक्सेट्रा बीमारी होती है, हमें मलेरिया हो जाता है, जो भी, तो उसमें ट्रीटमेंट चलता है हमारा। जाहिर सी बात है, हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वो हमें लैब टेस्ट के लिए कंसल्ट करते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद वो मेडिसिन हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर हम मेडिसिन लेते हैं। उन मेडिसिन में कुछ जो भी सूटेबल होती है हमारी एज, हमारा वेट और हमारी ग्रोथ के हिसाब से, जो भी मेडिसिन सूटेबल होती वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, उस मेडिसिन को हम परचेस करते हैं और उससे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वो सब तो चलता ही रहता है, कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो दवाइयाँ हम लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पोस्ट डिसेज के बाद में भी कुछ ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि कुछ पोस्ट फटीग होती है हमारे बॉडी में। फटीग यानी थकानपन, सुस्ती, कमज़ोरी आ जाती है उन बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी में, जिससे कुछ इम्यून सिस्टम या मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करते हैं, और उन बीमारियों की वजह से कुछ ऐसा भी हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट हो सकता है जो ज़िंदगी भर के लिए ही हमारी बॉडी में वो चीज़ बनी रहे। तो आइए उसी पोस्ट डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास मैं लाता रहूं और आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। जो भी हमें बीमारी या वायरल इन्फेक्शन से जो भी बीमारी हमें होती है, उसमें पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या चीज़ हमें अपनाना है उस पर बात करते हैं। तो पोस्ट डिसेज के बाद क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, विटामिन सी कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ठीक से काम नहीं करते हैं, जो भी एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है, एक्चुअल में बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उस एनर्जी का यूटिलाइज करके हमारी बॉडी को इम्प्रूव नहीं कर पाती है डिसेज के बाद में। रेड ब्लड सेल्स भी कमी हो जाती है, आयरन की कमी होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम की स्ट्रेंथ भी खराब हो जाती है, पूरी कम हो जाती है इम्यूनिटी सिस्टम की। इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर के डिसेज को ख़त्म करने के लिए हमें जो जिस प्रोडक्ट को यूज़ करना है उसके बारे में आज बता रहा हूँ आपको। उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट। न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट मैनकाइंड कंपनी की, स्क्रीन में आप देख सकते हैं टैबलेट का बॉक्स कंटेंट आ रहा है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट जो तीन मेजर कंटेंट से मिलकर बनती है, पहला होता है एल कार्टिनाइन, दैट मीन्स लिवोकार्टिनाइन इसका पूरा नाम होता है, दूसरा होता है मेथाइलकोबेलामिन और तीसरा होता है फॉलिक एसिड। तीनों कॉम्बिनेशन बन के एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, आयरन की कमी भी दूर होती है, रेड ब्लड सेल्स ठीक से काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव होती है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पोस्ट ट्रीटमेंट में जो हमारे बॉडी में जो भी कमी आती है पोस्ट डिसेज के बाद, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टैबलेट का यूज़ करना, क्योंकि टैबलेट बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, अवेलेबल होती है हर मेडिकल स्टोर में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भी बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में उसका यूटिलाइज करती है, जिससे बॉडी दोबारा हमारी रीग्रोथ होती है और उसमें जो भी डिस इन्फेक्शन होते हैं वो उसको रिमूव करती है और स्ट्रेंथ को वापस लेकर आती है। तो मेरा ये सजेशन है, आप अपनी बीमारी के बाद जब भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो इस टैबलेट का यूज़ आपको कंटिन्यू करना है। जब तक आपको इम्प्रूवमेंट फील नहीं होता आपके बॉडी में, तब तक इसका कंटिन्यू यूज़ करना है और सही तरीके से इसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, एक टैबलेट दिन में दो टाइम यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दो टाइम मील्स के बाद ही यूज़ करना है, खाली पेट टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। अच्छा होगा आप दूध के साथ इसका यूज़ करें, जो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप रहिए स्टे वेल, बी हेल्दी, बी अवेयर एंड गुड बाय।